तो दोस्तों आज के स्पीडो में हम आप सभी के लिए पबजी गेम के टॉप 3 न्यू ट्रिक लेकर आ चुके हैं, जिन ट्रिक के माध्यम से आप सभी पबजी गेम में गायब हो सकते हैं एंड दोस्तों किसी भी एनिमी को किल कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपने कहां से किल किया, कैसे किल किया। अगर दोस्तों आप सभी किसी एनिमी के पास जाकर भी किल कर देते हैं ना, तभी भी उसको पता नहीं चल पाएगा किसने किल कर दिया, कहाँ से किल कर दिया। गाइस ये तीनों के तीनों ट्रिक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर दोस्तों आप सभी इन तीनों ट्रिक को अपने पबजी गेम में यूज़ करेंगे तो दोस्तों आप सभी पबजी गेम के हर एक मैच में चिकन डिनर बहुत ही आसानी से विन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है तीनों के तीनों। अगर दोस्तों आप सभी इन तीनों ट्रिक के बारे में जानना चाहते हैं एंड पबजी गेम के हर एक मैच में चिकन डिनर विन करना चाहते हैं तो आज किस कमाल की वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अपने कीमती टाइम निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने 500 लाइक का टारगेट रखा है। प्लीज़ इस टारगेट को कंप्लीट कर देना एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो के नीचे जाकर एक अच्छा कमेंट कर दीजिए, लिख दीजिए नाइस ट्रिक, ताकि हम आप सभी के लिए और भी ऐसे ट्रिक लेकर आ सकें। चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गए जो हमारी सबसे पहली ट्रिक आ रही है वो ट्रिक आ रही है इस घर पर। दोस्तों आपको ऐसे घर पबजी गेम में काफ़ी जगह पर मिल जाते हैं एंड गए इन घर में बहुत ही बड़ा ट्रिक वर्क कर रहा है। अगर दोस्तों इन घर में कोई भी एनिमी होगा दोस्तों आप उसको बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा आपने कहाँ से आकर किल कर दिया। गए जो एनिमी होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले घर के ऊपर आते हैं, उसके बाद जे वाले रूम में आकर छिप जाते हैं और उसके बाद जैसे आप ऊपर आने की कोशिश करते हैं दोस्तों आपको जहाँ से वो किल कर देते हैं। और अभी मैं को बहुत ही बड़ा ट्रिक बताने जा रहा हूं, अगर दोस्तों जहां पर पूरे का पूरा स्क्वाड भी छुपा होगा ना, तभी भी दोस्तों आप उनको बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जहां पर आ जाना होगा, अभी आपको भागते हो भागते जहां पर राइट की ओर आना होगा। अभी दोस्तों आपको जे वाला जो द्वार दिख रहा है इसके ऊपर कीजिए जंप, जंप करने के बाद भागते भागते एक जंप और कीजिए। अभी आप जहां पर आ चुके हैं और अभी दोस्तों आपको जहां से एनिमी को किल कर देना होगा एंड दोस्तों उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा आप जहां पर कैसे आ चुके हैं, एनिमी चौंक जाएगा। अगर दोस्तों पूरी की पूरी स्कोर्ड भी होगी ना तो दोस्तों आप पूरी स्कोर्ड को फिनिश कर सकते हैं, यानी कि उनको किल कर सकते हैं, उनको पता नहीं चलेगा। अगर दोस्तों एनिमी घर के ऊपर है तो गाइज अगर आप उनकी लोकेशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जहां पर चले आना होगा। अभी गए जो आपको आग का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, उसको आपको ऊपर नीचे करना होगा। जैसे आपने उसको ऊपर नीचे किया तो देख सकते हैं जहां पर दोस्तों आप घर के ऊपर देख सकते हैं अभी एनिमी कहाँ पर बैठा हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों मुझे जहाँ पर सीढ़ियों से घर का ऊपर का पूरा दीवार दिख रहा है, घर के ऊपर से दोस्तों इतना भी सब कुछ है मुझे दिख रहा है। और दोस्तों आप जहां से एनिमी की लोकेशन देखिए उसके बाद डोर को ओपन करके जहां पर घर के ऊपर आकर एनिमी को किल कर दीजिए। और दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की तरफ। तो गए जो हमारी सेकंड ट्रिक का रही है वो आ रही इस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग आपको शेल्टर के पास में मिल जाती है और इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्रिक वर्क कर रहा है। अगर गए जहाँ पर पूरा स्क्वाड रश कर देता है तो गए आप अकेले ही पूरी स्क्वाड को किल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चले आए। ऊपर आ जाने के बाद आपको जे वाला पाइप दिख रहा है इसके ऊपर जंप कीजिए। जैसे जंप किया आप इसके ऊपर आ चुके हैं। अभी गए जो आपको भागते भागते आगे की ओर चले जाना होगा और अभी गए जो आपको जो पाइप की नुक्कड़ मिल जाती है इसमें आकर बैठ जाए। और दोस्तों जहां पर दोस्तों अगर कोई भी एनिमी आप पर रश करता है, अगर पूरी स्क्वाड रश कर देती है दोस्तों आप उन सभी को देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो आपको नहीं देख पाएंगे क्योंकि गए वो सोच भी नहीं सकते कि आप पाइप के ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों आप उनको किल कर सकते हैं और पूरे का पूरा स्कोर दोस्तों आप अकेले ही फिनिश कर सकते हैं। अगर दोस्तों पबजी गेम का लास्ट सर्कल जहां पर बन जाता है तो आप सभी जहां पर चिकन डिनर भी विन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी एनिमी आएंगे दोस्तों आपको तो पता चलता जाएगा कौन आ चुका है और सभी को आप फिनिश कर सकते हैं और चिकन डिनर विन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की तरफ। तो गए जो हमारी थर्ड है लास्ट ट्रिक आ रही है वो आ रही है गतका के पास में। गए अभी जहां पर बहुत ही बड़ा ट्रिक वर्क आ रहा है जहां पर दोस्तों आप सभी इस पेड़ के ऊपर जा सकते हैं और इसके ऊपर जाकर किसी भी एनिमी को बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको जहां पर छोटा सा रूम मिल जाता है और सबसे पहले आप इस पर जंप कीजिए, उसके बाद आपको इस रूम के ऊपर जंप करना होगा। जंप करने के बाद गए जो आपको पेड़ की ओर भागना होगा और भागते भागते एक जंप और कर देना होगा। जैसे जंप किया तो देख सकते हैं मैं इस पेड़ के ऊपर आ चुका हूँ। गए अगर आप पहली बार ट्राई करेंगे तब शायद गए ना हो, दोस्तों आपको 2 से 3 बार ट्राई करना होगा एंड दोस्तों उसके बाद आप पेड़ के ऊपर चले आएंगे एंड दोस्तों आपके आस
आसपास जितने भी एनिमी होंगे उनको बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, देखने के बाद उनको बहुत ही आसानी से किल भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारे तीनों के तीनों ट्रिक अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाना, ताकि हम आप सभी के लिए और भी ट्रिक लेकर आ सकें। चलिए गए, चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।